तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में। जिस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, उस ट्रेडिंग एप्लीकेशन का नाम है फ्लश ऑप्शन। आपने फ्लश ट्रेडिंग एप्लीकेशन का नाम सुनाएगा, उसके बारे में आपने सर्च किया होगा तो आपको कई वीडियो मिल भी गए होंगे। और उस टॉपिक पर मैंने दो वीडियो बनाई, एक तो आपको मैंने विड्रॉल प्रॉब्लम है, डिपॉजिट प्रॉब्लम है, उन सभी को सोल्व किया है। दूसरे वीडियो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको यूज करना है या नहीं करना चाहिए, तो आपको मेरे यहाँ पर दो वीडियो मिल जाते हैं। आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं, आसानी से उस एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन में आज हम बात करने वाले हैं फ्लश ऑप्शन के बारे में ही। इसके बारे में, इंटरफेस के बारे में सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छूट ना पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके इंटरफेस के बारे में, इन सभी के बारे में कि भाई आपको इसे यूज करना है या नहीं करना है, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके इंटरफेस में। इंटरफेस पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है लाइनिंग का। लाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। लाइनिंग में आपको ऑप्शन देखने, जो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म इसका देखने के लिए मिल जाता है, जो यहाँ पर ग्राफिक आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसमें आप बहुत ही अच्छा थोड़ा ग्राफिक मुझे इसका लगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ग्राफिक को है वो जूम करके यहाँ पर आसानी से इसको समझ सकते हैं कि भाई अब हमें ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, तो इसलिए मुझे ऑप्शन थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पर इसका ग्राफिक का। चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करेंसीज का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, करेंसीज कौन सी करेंसीज है, कौन सी करेंसीज नहीं है, इन सभी के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गाइड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको आई बटन का जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ करेंसीज मिल जाती है, यहाँ पर आपको कम से कम 11 करेंसीज यहाँ पर मिल जाती है। आपको बिटकॉइन, ये सभी एथेरियम, या आपको ये सभी करेंसी जो है वो हाई वैल्यू की करेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। हम बिटकॉइन से स्टार्ट करेंगे। देखिए बिटकॉइन की इसकी जो वैल्यू है अभी ऊपर नीचे अभी हो रही है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर लगा देते हैं। शायद ये नीचे की ओर भी जा सकती है, क्योंकि अभी इनका एक कन्फर्म नहीं रहा है कि भाई अब वैल्यू है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इसलिए हो सकता है। इसकी बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग आप देख सकते हैं इसका 30 सेकेंड से स्टार्ट है, तो ये मुझे ऑप्शन अच्छा लगा यहाँ पर, 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रो इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर कम से कम 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आप 100 रुपये यहाँ पर जितना चाहिए आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। आपको मिनिमम इसका इन्वेस्टमेंट है वो 1000-2000 रुपये यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर वो ओलंपिया ट्रेड, आईक्यू ऑप्शन, इन सभी में आप देखोगे तो आपको कम से कम 4 या 5 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई ट्रेड वाले हो गए, ऑर्डर वाले टू पर हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर वाले इसका जो पास वाला दिखाई दे रहा है कि हमने भाई यहाँ पर कितने का हमने अभी ट्रेड लगा रखा है, वो यहाँ पर ऑर्डर है हमारी, जो सेकंड्स है वो यहाँ पर चल रही है, कौन सा हमें यहाँ पर ट्रेडिंग किया हमने और कौन किस पर हमने ट्रेडिंग यहाँ पर लगाया है। तो देख सकते हैं अभी 8 सेकेंड 9 7 सेकेंड 6, ये हमारी जो टाइमिंग है वो यहाँ पर चल रही है। हमने हमें डेमो अकाउंट से 2000 रुपये लगाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर विन कर लिया है, हमारे हो गए 1600 रुपये का, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। चलिए आ जाते हैं ट्रेड मीटर। ऑर्डर वाला ट्रेड आपको ऑप्शन इसलिए मिलता है क्योंकि आप जहाँ पर जो भी आप वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है कि भाई आपने कौन सी वैल्यू लगाई है और कितने टाइमिंग के लिए चल रही है। चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइमिंग के बारे में आ जाते हैं। आपको बिटकॉइन वाले जहाँ पर की करेंसीज होती है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टाइमिंग का, 1 सेकेंड 5 सेकेंड 30 सेकेंड, इन सभी पर आ जाते हैं। तो ये आपको ग्राफिक में देखने के लिए मिल जाता है। ग्राफिक का दूसरा ऑप्शन आपको सेकंड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, वो कैंडल में देखने के लिए मिलता है, जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था भाई। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि भाई हमारी इच्छा है कि भाई हम यहाँ पर कितने टाइमिंग में ग्राफिक में जो लाइनिंग वाले में करना चाहते हैं या जो हम ट्रेडिंग है वो यहाँ पर कैंडल वाले में करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम पर डिपेंड करना चाहिए कि भाई हम ये लाइनिंग वाले में थोड़ा सेफ ज़्यादा फील करते हैं या हम कैंडल वाले में सेफ ज़्यादा फील करते हैं। अगर आप ओलंपिया ट्रेड इन सभी में देखेंगे तो आपको जितने टाइमिंग आप चाहिए उस टाइमिंग में आप ग्राफिक या कैंडल वाले दोनों में यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी खुद की टाइमिंग नहीं दी गई भाई, आप इतने 5 सेकंड पर लगाओ तो आपको यहाँ पर कैंडल वाले में लगाना पड़ेगा, नहीं भाई। वहाँ पर आपको यहाँ पर सीधी बात मिल जाती है कि आप जितना यहाँ पर टाइमिंग करना चाहते हैं वो आप ग्राफिक में और जो कैंडल वाले हैं उन दोनों में ट्रेड कर सकते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से।
इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया, सेकंड का मैंने टाइमिंग के बारे में बता दिया, करेंसीज के बारे में आपको मैंने बता दिया है। चलिए माई अकाउंट पर आ जाती हैं, वहाँ पर आके हम कुछ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में आपको यहाँ फंड्स वाले में दिखाई देख रहे हैं हम। फंड्स वाले में हमें कोई तो डिपॉजिट ना हमें विड्रॉल किया है अभी तक, कोई भी हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है। चलिए बाकी आपको यहाँ पर आईडी बनाना कैसा है, आईडी आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से इन सभी से आपको यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। चलिए डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बाहर ले जाएगा इस ऑप्शन से, हमें रिस्टार्ट ऑप्शन को वापस करना होगा। मुझे लगता है शायद इसका जो डिपॉजिट ऑप्शन है वो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, या तो अवेलेबल है तो यह लोगों के लिए यह शायद मान्य नहीं हो रहा होगा कि भाई हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। फिर से एक बार वो ट्राई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो क्लोज वाले पर हमें वापस ये लेके चलेगा, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। करेंसीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, करेंसीज कौन सी करेंसी रहने वाली है, कौन सी करेंसी नहीं रहने वाली है। बाकी ऑप्शन के बारे में बताऊं तो अब एक बात को यहाँ पर समझे कि आपको यूज करना है या नहीं करना है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने फास्ट ट्रेड एप्लीकेशन को यूज किया है तो आपको मैं बता दूं कि फास्ट ट्रेड एप्लीकेशन का इंटरफेस आप देखेंगे तो सेम का सेम आपको ऐसा ही इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जिस भाई को ऐसा लगता है कि भाई उनका इंटरफेस थोड़ा अच्छा नहीं है और उनका इंटरफेस दोनों का मैच नहीं हो रहा है, तो भाई आप किस चाहे यूज कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा यूज़ ना करें तो आपके लिए बेहतर साबित रहने वाला है, भले ही इसका जो टाइमिंग का है वो अच्छा रहे या इसका जो ग्राफिक का है वो जूमिंग का रहे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप टाइमिंग पे इनका ग्राफिक दोनों सेट होता है, मान लो आप यहाँ पर जब यहाँ पर टाइमिंग लेते हैं, जैसे मान लो अब मैं 5 सेकंड के लिए रह रहा हूँ तो यहाँ पर कैंडल वाला आ जाता है, जो भाई कभी भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ओलंपियाड आई के ऑप्शन में आप देखोगे ना तब आपको यहाँ टाइमिंग सेट करते हो ना आपकी, तो आपको ये ग्राफिक, अगर आप ग्राफिक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टाइमिंग वहाँ पर ग्राफिक में सेट करते हो तो वो ग्राफिक में चलता है, वहाँ पर डायरेक्ट कैंडल वाले में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई 5 सेकंड 30 सेकंड आ जाते हैं तो भाई यहाँ पर डायरेक्ट कैंडल वाले में हमें लेके आ जाते हैं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अभी डिपॉजिट वाला तो अभी मान ही नहीं रहा है, तो आप डिपॉजिट करना तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, डिपॉजिट तो होगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ क्लोज कर देता है, आपको अकाउंट जो एप्लीकेशन है उसी से बाहर लेके आ जाता है। और बाकी आप ऑप्शन देखेंगे इसमें आपका नो, बाकी ऑप्शन में आप होम और इसमें माई अकाउंट दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और बाकी की इसमें गाइड्स वाले में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर आपको ऐसा सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट वाले स्टार्ट प्रॉफिट ये सभी आपको देखने के लिए ऑप्शन में मिल जाते हैं, बाकी ऑप्शन में ऐसा आपको लिए कुछ भी नहीं रखा है भाई कि आप इसे यूज़ कीजिए। मेरे हिसाब से यूज़ ना करें तो आपके लिए बेहतर साबित रहने वाला है, जिस भाई को यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हालांकि मैं फ़िलहाल किसी को भी यूज करने की सलाह यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ क्योंकि स्कैम भी हो सकता है एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन से बच के रहिए। तो और इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।